पिछले 10 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में क्रिसमस के बाद नए साल का जश्न भी फीका ही रहा। तबाही के बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की ने सेना में जज्बा भरा, तो वहीं पुतिन ने पश्चिमी देश खासकर अमेरिका पर बिना नाम लिए निशाना साधा। बिल्कुल, पुतिन ने आरोप लगाया है कि रूस पर हमले की प्लानिंग बनाई जा रही थी, उसके बाद आत्मरक्षा में उन्होंने यूक्रेन के अंदर सेना उतारी। महीने से जारी है महाजंग, महायुद्ध में तबाह हुआ यूक्रेन। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस को भी हुआ भारी नुकसान। पूरी दुनिया जहां नए साल पर जश्न में डूबी थी, तो वहीं दो मुल्क ऐसे थे जहां सिर्फ और सिर्फ गम दिखा। रूस में जहां इस बार नए साल का जश्न फीका रहा, तो वहीं रूस के हमलों में खंडहर हुए यूक्रेन में हर तरफ मातम, अंधेरा, खामोशी और खौफ ही बरपा रहा। नए साल का जश्न रूस की सेना ने जहां यूक्रेन पर ड्रोन अटैक के साथ मनाया, तो वहीं यूक्रेन की सेना ने भी उसका जबरदस्त जवाब दिया। 10 महीने से जारी महायुद्ध में भले ही रूस खुद के फ्रंट फुट पर होने का दावा करता रहा हो, लेकिन असलियत में रूस भी युद्ध में हुई भीषण तबाही से करा उठा है। और इसका जिक्र रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित करते हुए किया। полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Мачбури में रूस ने किया हमला। पुतिन को किसने किया मजबूर? इस दौरान उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश शांति के बारे में झूठ बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि रूस की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए यूक्रेन में सेना भेजनी पड़ी। इतना ही नहीं, पुतिन ने दुनिया को एक बार फिर यूक्रेन पर युद्ध की मजबूरी भी बताई। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन में सेना भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и рас... देश के नाम संबोधन में पुतिन की युद्ध के बाद रूस पर लगी पाबंदी की टीस भी दिखाई दी। पुतिन ने युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों को शर्मनाक बताया। Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. Путин к нишане пар пашими дейш.